हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में K770NXE व्हीकल लोडर का फुल जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों K770NXE मॉडल में 49 एचपी का इंजन लगा हुआ है। दोस्तों ये मशीन जेसीबी 3DX इको एक्सपर्ट के साथ टक्कर देगी। जेसीबी 3DX इको एक्सपर्ट में भी 49 एचपी का इंजन लगा हुआ है और K770NXE मॉडल में भी 49 एचपी का इंजन लगा हुआ है। जेसीबी 3DX इको एक्सपर्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो को देख सकते हो। वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को दबा लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन सिस्टम का जानकारी। दोस्तों इस मशीन में FPT यानी फिट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी कंपनी का BS3 इंजन लगा हुआ है। इसका इंजन मॉडल FPT S8000 है। इसका इंजन टाइप 4 सिलेंडर वाटर कूलर EGR इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन डीजल इंजन है। इस इंजन का डिस्प्लेसमेंट 3.9 लीटर है। इस इंजन का ग्रॉस पावर 49.5 HP 37 kV 2200 RPM के साथ देती है। इस इंजन का मैक्सिमम टॉर्क 252.2 Nm 1200 RPM के साथ देती है। इस इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप बोस कंपनी का लाइन फ्यूल पंप लगा हुआ है। इस पंप का फायरिंग ऑर्डर टाइमिंग 1342 है। इस इंजन का लूप ऑयल कैपेसिटी 8.6 लीटर है। इसका लूप ऑयल ग्रेड 15W40 है। इस लूप ऑयल प्लस लूप ऑयल फिल्टर को हर 500 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इस इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेन वाटर कैपेसिटी 20 लीटर है। इस इंजन का स्टार्टिंग सिस्टम DC 12 वोल्ट 110 एम्पीयर है। इसका सेल्फ स्टार्ट मोटर DC 12 वोल्ट 4 किलोवाट का है। इस इंजन का अल्टरनेटर DC 12 वोल्ट 50 एम्पीयर है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम का जानकारी। दोस्तों इस मशीन में केरारो कंपनी का ट्रांसमिशन लगा हुआ है। इसका ट्रांसमिशन मॉडल केरारो टू व्हील ड्राइव DLV1 है और इसका ट्रांसमिशन टाइप 4 स्पीड गियर पावर शटल सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम है। इस ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन ऑयल कैपेसिटी 18 लीटर है। इसका ट्रांसमिशन ऑयल ग्रेड ऑटो ट्रांसमिशन ऑयल है। इस ट्रांसमिशन ऑयल प्लस ट्रांसमिशन फिल्टर को हर 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब एक्सल सिस्टम का जानकारी। इस मशीन में एक्सल केरारो कंपनी का एक्सल लगा हुआ है। इसका रियर एक्सल मॉडल केरारो 28.32 M है। इस एक्सल में 10 टन भार संभालने का सक्षम है। सबसे कठिन अनुप्रयोग में भी बेहतर कार्य जीवन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसका रियर एक्सल ड्राइव में गियर ऑयल कैपेसिटी 17.1 लीटर है। इसका ऑयल ग्रेड 90 नंबर गियर ऑयल है। इस गियर ऑयल को हर 2000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। अब फ्रंट एक्सल का जानकारी। इसका फ्रंट एक्सल CHHPS 1300 टू व्हील ड्राइव सिस्टम है। इसका फ्रंट एक्सल ऑक्सीलेशन एंगल 21 डिग्री प्लस 21 डिग्री माइनस टू व्हील ड्राइव है। इस मशीन का स्टैंडर्ड रियर टायर साइज 16.9 × 28.12 PR है और इस मशीन का फ्रंट स्टैंडर्ड टायर साइज 9 × 16.16 PR है और इसका हाई डिफरेंस रियर टायर साइज 14 × 25.12 PR है। ये टायर ऑप्शनल है। अब ब्रेक सिस्टम का जानकारी। सर्विस ब्रेक हाइड्रोलिक फुट ऑपरेटेड 2 डिस्क स्पेयर साइड है। रियर एक्सल इनपुट शाफ्ट पर लगा हुआ है और इसका पार्किंग ब्रेक मैकेनिकली एक्टुएटेड कैलिपर टाइप ब्रेक है। अब स्पीड गियर का जानकारी। पहले फॉरवर्ड गियर का जानकारी। इसका एक नंबर गियर में आगे चलने का गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो नंबर गियर में आगे चलने का गति 7.9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीन नंबर गियर में आगे चलने का गति 16.9 किलोमीटर प्रति घंटा है। चार नंबर गियर में आगे चलने का गति 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब रिवर्स गियर का जानकारी। इसका एक नंबर गियर में पीछे चलने का गति 5.9 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो नंबर गियर में पीछे चलने का गति 9.4 किलोमीटर प्रति घंटा है और तीन नंबर गियर में पीछे चलने का गति 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। चार नंबर गियर में पीछे चलने का अलाव कंपनी नहीं करता है। अब स्टीयरिंग सिस्टम का जानकारी। इसका स्टीयरिंग टाइप पावर स्टीयरिंग है। इसका स्टीयरिंग सिस्टम वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 140 बार का जरूरत होता है। इसका स्टीयरिंग यूनिट डिस्प्लेसमेंट 125 cc/REV है। इसका टर्निंग सर्किल डायमीटर आउटसाइड बॉकेट माइनस ब्रैकेट 9.2 मीटर है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम का जानकारी। इस मशीन में हाइड्रोलिक पंप पार्कर कंपनी का हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है। इसका हाइड्रोलिक पंप सिस्टम ओपन सेंटर लोड सेंसिंग सिस्टम है। इसका हाइड्रोलिक पंप टाइप एक्सेल पिस्टन पंप विद इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल सिस्टम का पंप है। इस पंप का मैक्सिमम हाइड्रोलिक फ्लो 119 लीटर प्रति मिनट 2200 RPM के साथ हाइड्रोलिक फ्लो करता है। इस पंप का वर्क मोड 3 मोड है, एक इको मोड, एक स्टैंडर्ड मोड और एक पावर मोड। इसका इको मोड वर्क सिस्टम डिलीवरी बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी एंड लाइट एप्लीकेशन सिस्टम है। इसका स्टैंडर्ड मोड वर्क सिस्टम परफेक्ट मिक्सिंग फ्यूल एफिशिएंसी सिस्टम है और इसका पावर मोड वर्क सिस्टम डिलीवरी हाई फ्यूल प्रोडक्टिविटी सिस्टम है। इस मशीन का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क करने के लिए मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर 240 बार का जरूरत होता है। इस मशीन का पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम 100 लीटर है और इसका हाइड्रोलिक टैंक कैपेसिटी 48 लीटर है। इसका हाइड्रोलिक ऑयल ग्रेड 68 नंबर ग्रेड का ऑयल है। इस हाइड्रोलिक ऑयल को हर 4000 घंटा के अंदर चेंज करना चाहिए। इसका हाइड्रोलिक फिल्टर सर्विस हर 1000 घंटा के अंदर करना चाहिए। इस मशीन का वर्किंग स्पीड देखा जाए तो वर्किंग के हिसाब से 1 घंटा में 20 से 25 ट्रैक्टर मल्टी लोडिंग कर सकता है। इस मशीन का डीजल टैंक कैपेसिटी 129 लीटर है। इस मशीन का फ्यूल फिल्टर सर्विस हर 500 घंटा के अंदर करना चाहिए। दोस्तों इस मशीन का कुल ऑपरेटिंग वेट 7610 kg है। इस मशीन का डिस्प्ले डिजिटल एंड मैकेनिकल दोनों सिस्टम है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को यह समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि वीडियो की जानकारी और किसी को मिल सके। और ऐसा कोई मशीनरी जानकारी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो।